हेलो फ्रेंड्स, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इस 34 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो इनका मूल क्वेश्चंस ये हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, इनका बस इस विषय पे जानना है। और हथेली पे क्या पॉजिटिव योग है, क्या नेगेटिव योग है, उसको विस्तारपूर्वक बता दीजिए। और आगे कोई किसी एज में किसी प्रकार के कष्ट आनी तो नहीं है, इन सब चीज़ों का इनका मेन क्वेश्चंस है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं बेसिकली देखता हूँ। और इनका एक चीज़ और जानना था कि थोड़ी बहुत फैमिली टेंशन्स हैं, उन सब से कब निजात मिलेगा और क्या कुछ आगे तरक्की होगी जीवन में या नहीं। तो चूंकि मैं इनका राइट पाम एनालिसिस कर रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये अभी देखो हैं तो ऐसे ही हाउसवाइफ, लेकिन डिसीजंस कुछ इनके अपने भी होते हैं। तो जब इंसान अपने खुद से डिसीजंस लेने लगे, उसके हथेली पर वो योग प्रेजेंट दिखे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी लेफ्ट पाम एनालिसिस होगी। वो पूर्णतः इंडिपेंडेंट है, वो अपनी सोच से स्वतंत्र हैं, वो अपने डिसीजंस खुद से ले सकते हैं। तो बेसिकली उनका राइट पाम एनालिसिस होगा। और मैंने इनकी प्रेजेंट की स्थिति मिलाई इनके राइट पाम से, और वो स्थितियाँ एग्जैक्ट मिली, ना कि वो स्थितियाँ राइट लेफ्ट पाम में जो थी वो थोड़ी थोड़ी मतलब वैरी कर रही थी, वो नहीं मिल पा रही थी। तो जो मैंने इनका राइट पाम से मिलाया वो एग्जैक्ट था, जिस वजह से मैं इनका राइट पाम एनालिसिस कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि जो ग्रहों में चमक है और रेखाओं में जो चमक है, रेखाओं जो बोल रही हैं कि मैं किस पाम पे ज़्यादा एक्टिवेट हूँ, वो इनकी राइट पाम दिख रही है। तो बेसिकली अगर आप जब पामिस्ट्री में एक्सपीरियंस लोगे, एक्सपीरियंस में आओगे ना, तो ये चीज़ें आपको बतानी नहीं पड़ेगी, या फिर इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनेगा कि आप राइट पाम क्यों देख रहे हो, लेफ्ट क्यों देख रहे हो। वो अंडरस्टूड होते हैं, जैसे कुछ चीज़ अंडरस्टूड होती है ना, वैसे ही अंडरस्टूड हो जाती हैं कि नहीं, इनका राइट ही देखा जाएगा, नहीं इनका लेफ्ट ही देखा जाएगा। तो फिर आप कोई नॉर्म्स एंड कंडीशंस नहीं देखोगे, आप बस देखोगे कि कौन सा पाम एक्टिवेट है, उसको एनालिसिस करना है, उसको उसके विषय में उनको बताना है, उसके आधार पर उनके जीवन में रिजल्ट आना है। तो ये थोड़ी सी जब एक्सपीरियंस होगी आपको, तो इस चीज़ का आपको भी कोई कन्फ्यूजन्स नहीं रहेगा। तो ये बेसिकली एक्सपीरियंस है, जितना पाम देखोगे, जितना ज़्यादा एनालिसिस करोगे, उसके आधार पर वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं लोग बाग। और उस एक्सपीरियंस के आधार पर कोई भी डिसीजंस लेने में ईजी होता है कि अभी क्या करना चाहिए, कौन सा पाम देखना चाहिए, कौन से अभी। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि जीवन रेखा पर कुछ रेखाएँ ऐसी होती हैं कि आप कभी, मैं अपने किसी वीडियो में बोलूँगा कि वो 22 है, किसी वीडियो में मैं बोल दूँगा वो 24 है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है ना कि हर पाम के हिसाब से वो वेरी करता है। तो उस पर, उस विषय पे मैं एक वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चूँकि अब इनके सवालों का जवाब करते हैं, इनके क्वेश्चन जो हैं आइए देखते हैं। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो अभी इनका आगे का जीवन है, तो मूलतः देखो पहले तो आयु देख लेते हैं। ठीक है, तो जब मैं आयु की बात करूँ तो आयु बहुत अच्छी है इनकी, आयु में कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू आयु रेखा है जीवन रेखा पर। तो वो क्या इंडिकेट कर रही है, तो इनकी अच्छी आयु इंडिकेट कर रही है, दीर्घ आयु है, आयु में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अब जीवन कैसा चलेगा, तो देखो अभी इनका 34 वर्ष का एज है। ठीक है, तो एक लगभग इनकी 34 वर्ष में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर एक कट है। ठीक है, तो ये कट दर्शा रहा है कि इनको, मतलब ये लगभग हो सकता है कि 33 वर्ष में भी हो, 32 में भी हो। तो बेसिकली इन एक वर्षों का इनको तकलीफ था, कुछ मेंटली प्रेशर था। ठीक है, मेंटली प्रेशर से गुजर रही थी, वो इनके माइंड रेखा पर से भी दिख रहा, मैं दिखाऊंगा आपको। सेकेंडरी इनके पहले वाले एज में भी एक लगभग इनके 22 वर्ष में कोई कट था। तो ये कुछ नॉमिनल कट्स हैं जो इनके पाम पर हैं, जो कि दर्शा रही हैं कि इनको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल लॉस हुई होंगी उस पीरियड में। फिर आगे का क्या हिसाब किताब है, आगे देखो इनका क्या है ना कि इनकी एक और कट जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये हल्की सी है, वो मुझे हल्की सी प्रतीत हो रही है। अब अगर वो एग्जैक्ट हो और एकदम डार्क हो, डार्क बन जाए आगे चल के, इन फ्यूचर डार्क बन जाए, तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, नेगेटिव इफेक्ट हैं जीवन पर। तो उसके बाद इनका बेसिकली ये एज जो आएगा ना, ये एज इनका आएगा लगभग यहाँ पर से, ये एज मान के चल लो आप, ये एज इनका आएगा लगभग 40 वर्ष की आयु का। ठीक है, और उसके बाद क्या है ना, 40 वर्ष के बाद कंटिन्यू प्रोग्रेस रेखा इनके जीवन रेखा पर, कंटिन्यू छोटी छोटी अमाउंट में प्रोग्रेस रेखा है, देख लो। तो ये दर्शा रही है कि इनका आगे का जीवन जो है ना, उन्नति ही भरा रहेगा। अब सिर्फ प्रोग्रेस रेखा से आप उनके पूरे आगे के विषय में नहीं बता सकते। ठीक है, उसके लिए आपको क्या देखना होगा, उसके लिए आपको फेट लाइन पर देखनी होगी। उसका क्या रीज़न है, पामिस्ट्री एक चीज़ से तो होती नहीं है। ठीक है, तो अब जीवन रेखा प्रोग्रेस लाइन है, मतलब आपको एनर्जी प्रदान होगी, आपको एनर्जी मिलेगी। तो उस एनर्जी को सही आयाम मिले, सही डायरेक्शन मिले, तो ही तो आप कुछ कर पाओगे। लोग वहाँ क्या कह देते हैं ना कि चलो भाई आपके पाम पे प्रोग्रेस रेखा, आप तो आगे ही बढ़ोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। उसके साथ साथ भाग्य रेखा को भी देखनी आवश्यक है,
वो क्या डिनोशन है, वो क्या डिनोट करती है, वो ये डिनोट करती है कि आपको एनर्जी तो मिल रही है, आपको भगवान ने प्रोग्रेस रेखा के रूप में, वो क्या है प्रोग्रेस लाइन ऑब्सूट, ये है क्या, ये बेसिकली एनर्जी है, ठीक है, जो उस पीरियड में बेसिकली दर्शाती है कि इंसान को दुगनी एनर्जी की एनर्जी मिलेगा कोई भी कार्य करने का। लेकिन आपको एनर्जी मिल गया, ठीक है, आप वो उस एनर्जी को वेस्ट काम में बर्बाद कर दिए, वेस्ट कर दिए वेस्ट काम में, जिस काम में कोई मतलब नहीं बनता, तो क्या कुछ आप जीवन में कर पाइएगा, सोचने वाली बात है। तो उस एनर्जी को सही आयाम, सही प्लेटफॉर्म्स के लिए आपकी फेट लाइन का भी उस पीरियड में आवश्यक होना ज़रूरी है। और साथ साथ क्या है ना, आपकी माइंड रेखा का भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, ताकि मान लो आपकी भाग्य अच्छी है, आपको एनर्जी प्रदान हो गई और पता चला कि आपने 1 करोड़ रुपये कमा भी लिए, ठीक है, हमारी बात समझना, लेकिन आपकी माइंड रेखा में इतना डिस्ट्रैक्शन है ना कि उस 1 करोड़ को आपने उड़ा दिया, या उस 1 करोड़ को आपने ऐसे जगह लगा दिया जहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता। तो बेसिकली कहाँ से निचोड़ आ रही है, निचोड़ ये आ रही है कि आप अगर तरक्की किसी का देखोगे ना, तो बेसिकली उसके सारे पहलुओं पर गौर करो कि उस एज में सिर्फ प्रोग्रेस लाइन रहने से नहीं होता, उस एज में फेट लाइन कैसी है, उस एज में माइंड रेखा कैसी है। अब बहुत से केसेस में क्या होता है ना कि ग्रहों की स्ट्रेंथ अच्छी है, आपकी प्रोग्रेस रेखा अगर आपके लाइफ लाइन पर है ना, तो भी इंसान आगे बढ़ता है, उसका अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो हर एक कंसेप्ट को डील करना इस वीडियो के माध्यम से संभव नहीं होगा, जैसे जैसे उस हिसाब का पाम आते जाएगा मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझाते रहूँगा। तो बेसिक बात आपने क्या समझी, बेसिक बात ये है कि अगर आपके जीवन रेखा पर प्रोग्रेस रेखा है तो आपको एनर्जी प्रदान होगी, बेसिक बात ये है। अभी आप ये समझो, ज़्यादा इंटर रिलेटेड करोगे, इंटरलिंक करोगे ना, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होते चली जाएंगी, पता चलेगा आपका मैं कॉन्फिडेंस क्या मैंने गेन किया, मैं तो आपको कन्फ्यूजन्स में डाल दिया। आजकल के पामिस्ट ऐसा किया करते हैं, वो कन्फ्यूजन्स ज़्यादा क्रिएट करते हैं, ना कि क्रिस्टल क्लैरिटी देते हैं लोगों को, क्योंकि वो खुद नहीं जानते वो कहाँ से आपको प्रदान करेंगे। बहुत एक्सपीरियंस है भाई, मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि पामिस्ट का क्या काम है, आपकी तारीफ़ करना, आपकी फालतू में तारीफ़ करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं बनता। जो एग्जैक्ट है, जो रियल है, उन चीज़ों को बताओ ना। हमारा एक ही मोटिव है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को सच्चाई से रूबरू कराऊँ। अब इंसान और भगवान में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ दायरे होते हैं इंसान और भगवान के, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं इंसान तक ही सीमित रहूँ, मैं भगवान बनने की कोशिश ना करूँ, ठीक है। तो इनका जो आगे का पीरियड है ना, वो मुझे ठीक दिख रहा है इनके हिसाब से, इस जो जीवन रेखा के हिसाब से स्मूथ चलेगा, ठीक है। अब इनका फेट लाइन कुछ और कहानी कह रहा है, क्यों, देखो इनकी फेट लाइन में 33 वर्ष के बाद से डिस्ट्रैक्शन आना शुरू हो गई थी, लगभग ये 33 वर्ष तो यहीं पर आ गया, ठीक है। इसके बाद से हल्की सी फेट लाइन है, तो सम जिंदगी चलेगा, जब इनके लगभग इनके 33 से मान के चल लो, ये 5 साल का पीरियड होगा, ये 38वां 39वां तक ठीक ठाक है। उसके बाद फिर इसकी फेट लाइन में ना इनकी कोई मुझे स्मूथनेस नहीं दिख रही है, आगे यहाँ पर हल्की सी है, फिर आगे फेट लाइन थोड़ा सा इंक्रीज़ की। तो बेसिकली बात कहाँ से है कि ये तो 3 साल का अवधि है इनका, इनकी 36 से इनकी 35 से लेके मान के चल लो, इनकी 35 से लेके 38 तक इनकी जो 3 साल की अवधि है, या मान के चल लो 40 तक, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, लेकिन चूँकि थोड़ी थोड़ी फेट लाइन है ना, तो दर्शाती है कि मतलब डूबते हुए को तिनके का सारा, इन इट मीन्स कि इनका काम चल जाएगा, समय निकल जाएगा, और जो इनकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये कैसे कह दिया कि इनकी बेसिक नीड पूरी हो जाएगी, देखो सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना कि बस फेट लाइन से आप किसी के जीवन, किसी के विषय में ये नहीं बता सकते वो भूखे मरेगा अगर फेट लाइन का साथ नहीं है। तो उसके बाद 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का आपको प्रेडिक्शन देना है, साथ साथ जीवन रेखा है, माइंड रेखा है, सन लाइन है, हृदय रेखा है, मतलब गुरु पर होने वाले कुछ अच्छे इंडिकेशंस वगैरह हैं। तो सब चीज़ों को मैं देखते हुए मैंने ये बात कही कि इनका काम चल जाएगा। अब वो एक्सट्रीम लेवल की सफलता नहीं मिलनी है, लेकिन हाँ, काम चलने के लायक अभी योग बन रहे हैं, ठीक है। तो मूलतः आपने क्या देखा, मूलतः आपका आगे का जीवन ठीक रहेगा, टेंशन नहीं लो, आप आगे का जीवन स्मूथ रहेगा, ठीक है। हाँ, आपकी जो मूल सफलता है वो 36 वर्ष से देखने को मिलेगी, जो कि आपके फेट लाइन से मुझे दिख रही थी, कुछ फेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये 36 नहीं, ये 38 के बाद आपको इसके जो 7 है ना वो देखने को मिलेंगे, ये तय वाली बात है। और 38 के बाद मैं, जैसे मैंने बताया, 40 के बाद इनकी प्रोग्रेस रेखा भी है, तो समझने की चीज़ है। देखो दोनों चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉमिस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब है कि इनके अगर ये कुछ करती हैं तो इनको मिलेगा, या फिर इनके द्वारा इनके हस्बैंड को मिलेगा, बेसिकली बात ये है। तो ये था इनका बेसिक सवाल, ठीक है। अब इनके पाम के एनालिसिस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन सी बातें और निकल के आती हैं, कौन से अच्छे योग है, कौन से बुरे योग है।
सबसे पहले मैं किसी के पाम का एनालिसिस करता हूँ, तो उसके फिंगर को एनालिसिस करता हूँ, तो फिंगर देख लो कि बहुत सी कड़ी लाइनें हैं, तो मिलनसार नेचर होगा, इंसान अच्छी हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रहेगी, ठीक है। और बेसिकली क्या है ना, जुपिटर फिंगर सीधी रह रही है, तो बहुत एक्सट्रीम वाली धार्मिक आस्था तो नहीं दिख रही है, थोड़ी थोड़ी नॉर्मल स्तर की रहेगी, जो वो भी प्रेशर पर, ठीक है, अपने मन से नहीं। फिर इनके सैटर्न फिंगर हल्की सी सूर्य की तरफ जा रही है, तो कैलकुलेशंस अच्छा होता है ऐसे जातकों का, ऐसे लोग कैलकुलेटिव होते हैं, कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी होती है। पढ़ाई के क्षेत्र में भी अगर ये कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ क्षेत्र चुने, MCA चुन ले, BCA चुन ले, मैथमेटिक्स ले ले, साइंस ले ले, तो इनका ठीक रहेगा। और अगर इन्होंने नहीं करा किसी वजह से, तो फिर अगर ये इनकी जीवन की जो कैलकुलेशंस होगी, जो चोर घटाओ गुना भाग होगा, वो ज़्यादा स्ट्रांग ऐसे लोगों का होता है। सूर्य की फिंगर जुपिटर से हल्की छोटी रह रही है, तो इमोशंस हर्ट ऐसे लोगों के अक्सर होते हैं, ऐसे लोगों को कोई भी बात किसी के भी बुरी लग जाती है किसी भी टाइम, ठीक है। और फैमिली में तो ये टेंशन ज़्यादा देखने को मिलता है, इनकी इनके परिवार में किसी के बाद इनको बुरी लग जाएगी, ये तुरंत माइंड कर लेंगे, तुरंत दिल पे ले लेंगे, ये प्रॉब्लम रहती है। ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी, ईगो हर्ट होने वाली पर्सनैलिटी ऐसे जातकों की रहती है। फिर देखो तो इनकी, हाँ, इनकी बिजनेस की तरफ इनको रुझान होगा, इनका बुध फिंगर बैंड कर रहा है, हल्की सी नीचे रह रही है, अपनी भावनाओं को पूर्ण तरीके से समझा पाना या पूर्ण तरीके से उसको एक्सप्रेस कर पाना, उसमें कठिनाई होगी, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, उस पर इनको असहजता हो सकती है, उसमें इनको असामान्य रूप से ये किसी को अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाएंगे, किसी को बता नहीं पाएंगे, इट मीन्स कि अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। फिर देखो तो इनके पाम पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये जो समझदारी का मैं एक लूप निकालता हूँ ना, ये देखो, ये यहाँ से तो धनुषाकार आकार में है, लेकिन यहाँ नीचे थोड़ा सा ये मिसबैलेंस हो गया, तो फिर वही बात है, डिसीजंस, इंसान के डिसीजंस, इंसान को ऐसी अवस्था में कभी जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो हमेशा मोस्टली केसेस में देखा गया है कि वैसे डिसीजंस इंसान को तकलीफ देते हैं, या फिर वैसे डिसीजंस इंसान को परेशान करते हैं, उनकी वो डिसीजंस गलत होती हैं, ये बहुत से केसेस में देखा गया है कि ऐसे में वो डिसीजंस इंसान का गलत होता है। तो थोड़ी सी समझदारी में कभी कभार कठिनाई या फिर परेशानियाँ आ सकती है डिसीजंस लेने में, और ऐसे इंसान ज़्यादा सोच विचार करते हैं, सोचते जाता है। फिर अब देखो ग्रहों के स्ट्रेंथ को, तो देखो जुपिटर इनका क्या कह रहा है, तो देखो जुपिटर इनका ठीक ठाक अवस्था में, यहाँ से दबाव है तो फैमिली टेंशन से रहेंगी, कुछ गुरु वाले के कुछ मुझे फॉर्मेशंस दिख रही हैं, तो ये मनी मैनेजमेंट धार्मिक आस्था ये रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, ये पैसे कमाने या फिर मनी मैनेजमेंट में अच्छे कैपेबल होंगे, जमा करने में कैपेबल होंगे। सैटर्न यहाँ से हल्का सा उभार, मेहनत का फल मिलेगा, यहाँ से दबाव है तो थोड़ा फैटी शरीर रहता है, जब यहाँ से उभार है ना, इंसान का फैटी शरीर होता है, और यहाँ से कम मुझे दबाव दिख रहा है, तो इंसान मेहनत के प्रति थोड़ा सा भागता है, मेहनत उतना नहीं करता, मेहनत से थोड़ा भागता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम रहती है जब यहाँ पर थोड़ा सा कम, यहाँ पर थोड़ा सा मानसल अगर दिखाई दे तो किसी का भी। फिर देखो तो कुछ लाइनें शनि पर से ब्रांच जो बन रही हैं, वो ये जो ब्रांचेस हैं ना, ये अर्ध शुक्र वाले के ब्रांचेस हैं, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो ये अर्ध शुक्र वाले पूर्ण नहीं हुआ, तो एक जो कामयाबी के लिए ये औरतों के अगर ये चीज़ पूर्ण ना हो ना अर्ध शुक्र वाले, तो इन लोगों को अपनी सासू माँ से थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, देखा गया है, ठीक है। और सेकेंडरी क्या, इन लोगों को इनके पारिवारिक में ही ना बहुत से विवाद देखे गए हैं, अगर औरतों का इस टाइप का शुक्र वाले हो जाए। तीसरा क्या होता है ना, कि इनका कोई जस नहीं देगा कभी, इनका कोई इनको यश नहीं प्राप्त होगा, किसी के लिए अगर कुछ कर भी देंगे तो पता चलेगा लोग को लेगा कि ये बस मेरे से काम निकालने के लिए की, ठीक है, ये प्रॉब्लम रहती है। और थोड़ा सा माइंड विचलित रहेगा, माइंड स्विंग का प्रॉब्लम रहता है, वो जनरल इसका जो इफेक्ट आना है जीवन पर, जनरल इफेक्ट है कि मूड स्विंग होने का प्रॉब्लम रहता है। फिर देखो तो सूर्य, सो सूर्य एक पैतृक संपत्ति की तरफ से है, तो घर से स्ट्रांग होंगी, घर की तरफ से इनको सपोर्ट मिलता हुआ भी दिख रहा है, घर इनका ज़मीन ज़्यादा दबला होगा, घर इनका स्ट्रांग होगा, ठीक है, कमाऊ का अच्छा घर होगा। सूर्य ठीक है, नेम फेम का इनको चाह रहता है, ऐसे जातकों को। बुध भी थोड़ा डाउन जा रहा है, तो वही बुध विवेक कभी कभार बिगड़ सकता है, लेकिन एक दो बुध पे लाइन है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा ठीक करेगा, ठीक है, कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपनी बातों को ईजी वे में समझा पाएंगे, ये एक बेनिफिट है, ये एक अच्छे योग दिखे, ये मनी मैनेजमेंट में भी ऐसे लोग अच्छे खासे कैपेबल होते हैं। फिर देखो तो इनके मैं मंगल दिखाता हूँ, तो ये आपका हो गया लोअर मार्च, देख लो मंगल ठीक है, एनर्जी रहेगी शरीर में, एनर्जी की कोई कमी नहीं है, दूसरा मंगल भी अच्छा है, मंगल में कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिकल पर्सनैलिटी रहेगी, लॉजिक से बात समझने वाले होंगे, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी रहेगी, जल्दी कोई बहुत बड़ी बीमारी का योग तो नहीं बन रहा इनके हथेली से, इनके मंगल जब अच्छी रहते हैं तो इंसान में प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। फिर देखो तो इनका चंद्रमा, इनका चंद्रमा ठीक ठाक अवस्था में है, चंद्रमा में कोई कहीं दिक्कत नहीं है, और फिर कुछ लाइनें यात्राएं की बनी हुई, ये फॉरेन की भी यात्रा इंडिकेट करती हैं, ये फॉरेन भी जा सकती हैं, फॉरेन में यात्राएं रह सकती हैं, या दूर दूर की यात्राएं घूमना फिरना ऐसे लोग अक्सर किया करते हैं।
फिर देखो शुक्र है तो इनका ठीक है, शुक्र इनका बलि है, लग्जरी का सुख इनको अच्छा खासा मिलेगा, उतनी कोई वरीड की लाइनें नहीं, मनी की ही लाइनें रिप्रेजेंट करें, तो लग्जरी के सुख में कोई कमी नहीं है, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सजने धवजने इनको सजने वजने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तीसरी चीज़, इनको कॉस्मेटिक्स चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज होगा, कपड़ों का नॉलेज होगा, पहचानने आता होगा। अगर ऐसे लोग गारमेंट्स का बिज़नेस करें, कपड़ों का बिज़नेस करें, तो अच्छा खासा तरक्की करेंगे जीवन में। और ये शुक्र क्या दे रहा है इनको, ये शुक्र पर्सनालिटी अच्छी दे रहा है। साथ साथ ऐसे शुक्र वाले इंसान में एक तेज़ रहते, एक चमक रहते, अलग ही प्रकार के। ऐसे शुक्र वाले इंसान दूर से पता चलता है कि वो आ रही हैं, वो हैं कुछ, ठीक है। तो मतलब मेनली क्या है, पर्सनैलिटी अच्छी बना देता है और लग्जरी का सुख अच्छा खासा प्रदान कर देता है और चीज़ों की समझ अच्छी होती है, समाज में वैल्यू मान प्रतिष्ठा दिलवा देता है, ठीक है। और ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन का सुख भी अच्छा मिलता है ऐसे जातकों को। फिर देखो इनका थंब इनका लचीला है, तो नेचर वही लचीला नेचर होगा कि अगर कहीं पर कोई चीज़ नहीं बोलनी चाहिए तो वहाँ वो बदल भी जाएंगे, मतलब अडिग नहीं रहेंगी। ऐसा होता है ना कि मैं एकदम अडिग रहूँगा, मैं जो मैंने बोल दिया वही मैं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, चेंज होने के भी चांसेस हैं। और ये एक बुद्धाई बन रही है जो कि यप का फॉर्मेशन है, जो कि इनको सपोर्ट दर्शा रही है। डिज़ायर्स की वैसे कोई मुझे बहुत एग्जैक्ट लाइन नहीं दिख रही है, हल्की तो वैसे कोई बहुत बड़ी डिज़ायर्स तो इनकी है नहीं, वो मुझे दिख नहीं रही। अगर मन में सोचती होंगी तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, इट मीन्स कि उसको वर्क में नहीं ला पाती होंगी, ठीक है। तो वैसे कोई दिख भी नहीं रही, वैसे कोई बहुत इनको डिज़ायर्स हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बेसिकली ऐसे जब प्लेन रहे ना तो इंसान का बस जीवन सही तरीके से कट जाए, इंसान का एक ही मोटिव होता है। फिर देखो तो इनके पाम पे, अब मैं कुछ रेखाओं के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि इनका जीवन रेखा का विषय मैंने बता दिया। अब देखो इनकी माइंड रेखा, तो देखो माइंड रेखा में कंटिन्यू मुझे डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है, बचपन से ही सोचने का प्रॉब्लम तो है। जब इसे जालीनुमा आकृति बनी रहे तो इंसान ज़्यादा थिंक करता है, ज़्यादा सोचता है। फिर क्या है ना, इनकी माइंड रेखा में कंटिन्यू दबाव है, तो ये इनका दिमाग हमेशा चलायमान रहता होगा। और 35 तक में तो बहुत बड़ी दबाव दिख रही है इनके लाइफ पे, बहुत बड़ी बड़ा कंटिन्यू दबाव है, 35 से भी आगे भी इनकी दबाव दिख रही है मुझे। तो ये क्या दर्शा रही है कि मैंने इनको सजेशन दे रहा हूँ, मैं पर्सनली एक सजेशन एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ माइंड में थिंक करने का आए भी तो आप उसको थिंक मत करो, मैं इसका रेमेडी दूंगा आपको, आप सोचो मत ज़्यादा, आप ज़्यादा प्रेशराइज हो जाओगे, क्योंकि माइंड रेखा में इतनी दबाव बन रही है तो इसका कुछ मतलब है। रेखाएँ अगर आपकी हथेली पर है ना तो उसका कुछ मतलब है, उसको बस समझने वाला चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप दबाव मत दो अपने माइंड पर। हो सकता है कि देखो कोई भी चीज़ का चिंगारी है, उसको आग बनाओगे तो वो कहीं भी लग सकता है, जाके कुछ भी ख़राब कर सकता है ना वो, तो उसको आग मत बनने, तो सोचो मत, थिंक मत करो, ज़्यादा थिंक करोगे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उसके बाद देखो तो एक और बहुत बड़ी इंडिकेशन है इनके पाम पे, जो इनके 36वें वर्ष एक्टिवेट है, ये आपको फील होगा कि बहुत बड़ा यप है। तो ये यप इनको मानसिक टेंशन देगा, ये कोई फिश विश नहीं है, कोई इसको फिश प्लीज मत बना देना, ये यव है। ये यव क्या करता है, ये यव टेंशन क्रिएट करता है, ये यव परेशानी देता है, ये यव मेंटली मतलब ड्रामा होता है ना, इंसान मेंटली ड्रामा में रहता है, मेंटली इलनेस रहती है ऐसे जातकों को, मेंटली बीमार रहता है ऐसा लोग। लेकिन इसे यव के साथ कंडीशन क्या है ना, देखो एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, एक राहत की जो बात है, एक माइंड रेखा का ब्रांच आगे बढ़ गया, ठीक है, आप देखो, और एक यहाँ से भी निकल गया, तो ये कहीं ना कहीं इस यव के कुछ नेगेटिविटी को तो ज़रूर दूर करेगा, इट मीन्स कि 40-50% दूर करेगा। लेकिन अगर आप इसको अपने ऊपर हावी होने दे दिए ना, तो पता चलेगा कि ये ज़्यादा परेशान कर दिया आपको, तो इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये एक चीज़ अब मेरा गांठ बांध करके आप रख लो, नोट करके रख लो, कि अगर वैसा कोई लगे कि अब मैं बहुत परेशान हो गया, मैं बहुत टेंशन में हूँ, तो उसको हावी मत होने देना अपने ऊपर। बात बदल लेना, चीज़ बदल लेना, कुछ भी करना पड़े, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, लेकिन उस पर ध्यान मत देना। तो मेरा पर्सनल आपको सजेशन है कि आप उस पीरियड में, ऐसे तो कंटिन्यू दबाव भी है लेकिन एक सपोर्ट की लाइन भी है जो कि बचाने का काम तो करेंगे, अब कितना बचाएंगे वो भगवान ईश्वर के हाथ में है, लेकिन ये है कि ये परेशान करेगी, तो इसके लिए पहले अवेयर हो जाओ और ज़्यादा थिंक मत करो, और मेडिटेशन करो, योगा करो, हेल्थ के लिए करो, सब चीज़ करो जो आपको शांत रखे। फिर देखो तो इनकी बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छी है, लेकिन फिर दबाव बहुत अच्छी दिख रही है, तो इसका कोई विशेष रिजल्ट नहीं आएगा, थोड़ी भी परेशानी आ सकती है, लेकिन समझदार होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो तो इनके हाथ पे हर टाइम अच्छी है, तो वैसा कोई इमोशन, वैसा कोई बहुत रूड भी नहीं दिख रही, मीडियम स्तर की नहीं, कुछ विष्णु योग बन रहा है जो कि बृहस्पति शनि तक ही है मान के चल लो। तो ऐसे लोग को चाहत होती है पैसे की, ऐसे लोग पैसे के पीछे जाते हैं, ऐसे लोग को पैसा चाहिए होता है, ये चीज़ है, जब हर्ट लाइन वहाँ तक जाए, ऐसे लोग को पैसे की ललक होती है, चाह होती है, क्योंकि विष्णु योग वहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, तो कहीं ना कहीं इंसान धार्मिक के प्रति भी डेडिकेटेड होगा, समर्पित होगा।
फिर एक मैं इनके फेट लाइन को दिखाना चाहूँगा। फेट लाइन बचपन से ठीक चला इनका, फेट लाइन में कहीं कोई दिक्कत नहीं। केतु माउंट पे फिश बना हुआ है, बहुत बड़ी फिश है जो कि रिप्रेजेंट करती है फेट लाइन की ताकत को, इंक्रीज़ कर रही है फॉरेन की यात्रा। और ये केतु पर बना फिश बिजनेस भी लोग बात कर सकते हैं, आंशिक धन लाभ, इन सब में सारे चीज़ों में ये फिश कार्य रहता है। और बेसिकली क्या है ना, ये फिश इनके भाग्य रेखा को बल दे रहा है, तो जीवन कंटिन्यू स्मूथ चलेगा 34 तक। और चूंकि यहाँ पर मिटी हुई थी ना, तो इनकी जीवन में लगभग डिस्ट्रैक्शन है या आप मान के चलो 38 तक तो डिस्ट्रैक्शन दिख रही है मुझे। उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस आगे बढ़ी है, तो ये थोड़ी डिस्ट्रैक्शन कम दर्शा रही है, लेकिन 38 तक थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी भाग से रिलेटेड। तो उस समय केयर रखना, क्योंकि जीवन रेखा अच्छी है तो वैसे कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन तो होगी। फिर देखो एक बुद्ध रेखा इनके पाम पर टूटी टूटी है, चूँकि मनी ट्रायंगल भी पूर्ण नहीं बन पाया, तो ये कहीं ना कहीं पैसा जमा करने में दिक्कतें क्रिएट करेगा, पैसा जमा नहीं कर पाएंगे, खर्च के लिए ज़्यादा प्रेरित होते हैं, ऐसा इंसान खर्च ज़्यादा कर देते हैं। क्योंकि ऐसे बुद्ध रेखा जब बने तो ऐसे लोग को एसिडिटी की प्रॉब्लम देखी गई, गैस्ट्रिक की समस्या प्राय केसेस में देखी गई है, तो अगर वो है तो खाना पीना पर कॉन्शियस हो जाए वो ठीक हो जाएंगे। तो बेसिकली इनका क्वेश्चन था या जीवन कैसा रहेगा, तो वो बेसिकली ठीक दिख रहा है मुझे आपके पाम से। 38 तक थोड़ी सी परेशानी है, उसके बाद अपने मन के लाइक इफेक्ट मिलने शुरू हो जाएंगे आपके जीवन में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझे पर्सनली परामर्श लेना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।